हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोडा और फॉक्सवैगन कार्स की टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के बारे में। ये जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको TPMS भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में एक्टिव टाइप का नहीं है, जिससे कि हमको चारों टायर्स की प्रेशर इंडिविजुअली दिखे। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। मेरा नाम प्रमोद साहू। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल में कार्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस लाते हैं। जब मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर आपकी कार को डिलीवर करती है, तो उसकी टायर्स में रिकमेंडेड PSI की प्रेशर डाल के उसको सेट कर देता है। सेट करने का मतलब ये होता है कि उसमें सेव हो जाती है, इसी PSI की प्रेशर इसमें रहना चाहिए। उसके बाद अगर कभी भी टायर की प्रेशर उतने से कम होती है, तो फिर इस टाइप के अलर्ट आती है। ये अलर्ट फर्स्ट टाइम जब आप कार स्टार्ट करते हैं उस टाइम में आती है। उसके बाद, और ये जो नीचे का सिंबल है, ये सिंबल हमेशा नीचे अलर्ट करते रहता है। अगर आप इस मैसेज को दोबारा देखना चाहें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये मेंशन होता है कि किस टायर में प्रेशर लो हुआ है या फिर सभी टायर्स में लो है। फिर आपका काम रहता है कार के सभी टायर्स की प्रेशर चेक करा के उसको सही प्रेशर भरना, और भरने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे उस प्रेशर को सेट करना पड़ता है, नहीं तो ये अलर्ट तब तक भी दिखती रहेगी। इस प्रेशर को सेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप स्टार्टर्स में जाके सेट कर सकते हैं। दूसरा है सेटिंग्स के अंदर। टायर फिर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक बार सेट करने के बाद ये अलर्ट चली जाएगी। अगर ये वार्निंग कंटिन्यूस ऑन ना होकर अगर ब्लिंक करता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि TPMS सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, तो फिर आपको उसके लिए सर्विस सेंटर में चेक कराना पड़ेगा। ये जो TPMS है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अगर व्हील्स के ऊपर अनइवन लोड्स है, और अगर कीचड़ वाली रास्ते से आप जाते हो, वहाँ पे अगर कुछ प्रेशर लॉस होता है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आप काफ़ी स्पोर्टी स्टाइल में जिगजैग टाइप का, इस टाइप का चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उस केस में भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाता।